अरे लड़की तो बहुत सावली है और चेहरे पर देखो कितने बाल हैं। बहन जी बुरा मत मानिएगा, पर आपने सोच भी कैसे लिया, मैं अपने राजकुमार जैसे बेटे की शादी ऐसी सावली लड़की से करा दूंगी। लाखों में एक है मेरा बेटा, मुझे अपने बेटे के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जिसके आने से अंधेरे में भी उजाला हो जाए। गोरी चिट्टी एकदम चिकनी बहू चाहिए मुझे कि मक्खी भी बैठे तो फिसल जाए। बहन जी, संस्कार भी कुछ होते हैं। मेरी बेटी जैसी लड़की आपको दिया लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। देख लीजिएगा, आपने मेरी बेटी को ठुकराया है ना? आपके बेटे के पल्लू ऐसी लड़की बनेगी जो बूट पॉलिश से भी ज्यादा काली होगी। फिर मैं देखूंगी आप क्या करती हैं। हाँ हाँ बहन जी, सही कहा आपने। आपकी लड़की दिया तो क्या, 10 वाट का बल्ब भी जला दो तब भी दिखाई ना दे, इतनी काली है। इतना कहकर हेमलता वहां से अपनी बेटी के साथ उठकर चल देती है और रेणुका कहती है, अरे इसके बोलने से क्या होता है, मेरी बहू तो एकदम गोरी चिट्टी चिकनी ही आएगी, फिर दिखाती हूँ मैं इसको। बड़ी आई बोलने वाली, अपनी बदसूरत सावली बेटी को मेरे बेटे के पल्लू बांधने चली थी। रेणुका अपने सभी रिश्तेदारों और जान पहचान वालों में महेश का बायोडाटा और फोटो भेज देती है और सभी को उसके लिए सुंदर लड़की ढूंढने के लिए कह देती है। दिन बीतने लगते हैं, फिर एक रोज सीमा का रिश्ता महेश के लिए आता है। रेणुका, महेश और हरिशंकर सीमा को देखने उसके घर जाते हैं। बन ठनकर सीमा हाथ में चाय की ट्रे लेकर उनके सामने आती है। कैसी लगी हमारी बिटिया, मुझे तो बहुत पसंद है, तुम क्या कहती हो रेणुका? रेणुका बहुत देर तक सोचती है और सीमा को गौर से देखती है और कहती है, लड़की तो सुंदर है, जैसी मुझे चाहिए थी ठीक वैसी ही है, सुंदर चिकनी, मुझे तो पसंद आ गई है सीमा। महेश, शादी तेरी है बेटा, तू भी तो कुछ बोल, तेरा फैसला भी मायने रखता है हमारे लिए बेटा। आप लोगों को पसंद है तो सीमा मुझे भी पसंद है, तो रिश्ता पक्का समझे। हाँ, शादी की तैयारी शुरू कीजिए समधी जी। महेश और सीमा की शादी हो जाती है और रेणुका सीमा की सुंदरता से बहुत खुश होती है और अपने बेटे महेश से कहती है, अब तू बेटा थोड़ा इंजॉय कर, घूम फिर, इतनी सुंदर लड़की मिली है तुझे। क्या माँ, आप भी? रेणुका देखती है कि सीमा दिन रात मेकअप में ही रहती है। शादी के कुछ दिनों तक तो रेणुका सीमा से कुछ नहीं कहती। फिर एक दिन रेणुका बोल देती है, अरे बहू, तुम ये हर वक्त मेकअप में ही रहती हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है, घर में तो आदमी बिना मेकअप के ही रहता है, अब तू मुझे ही देख ले। मम्मी जी, मैं कोई ज्यादा मेकअप थोड़ी ना करती हूँ, ये मेरा नेचुरल लुक है। अरे पर इतना मेकअप कौन करता है, लगता है 6 किलो पाउडर थोप रखा है मुंह पर। क्या है मम्मी जी, आप भी ना, ये कोई पाउडर पाउडर नहीं है, ये तो मेरी नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी जिसकी चमक मेरे चेहरे पे रहती है। रेणुका अपने कमरे में चली जाती है और मन ही मन सोचती रहती है, अरे कोई तो बात है, ये बहू इतना मेकअप क्यों करती है, अरे मेकअप पर इतना खर्च करेगी तो मेरा बेटा तो कंगाल ही हो जाएगा। मैंने सोचा था कि बहू के आने से मेरे बेटे को सुकून मिलेगा, लेकिन ये तो मेरे बेटे को कंगाल बनाने में लगी है। अगले दिन शाम को
सीमा और रेणुका को एक पार्टी में जाना था। रेणुका सीमा के कमरे में जाती है। अरे अब चलोगी भी या पाउडर ही थोपती रहोगी? सीमा अपने गालों पर मेकअप लगा रही थी, तभी रेणुका की नजर उसके हाथों पर पड़ती है जहाँ का रंग सांवला था। हे भगवान, ये क्या देख रही हूँ मैं? अरे बहू, तेरे हाथ काले हैं, कहीं तेरे चेहरे का रंग भी तो काला नहीं है? नहीं तो मम्मी जी, आपको मुझ पर शक है क्या? सीमा गालों पर मेकअप थोप थोप कर लगाने लगती है। वो मम्मी जी, मुझे ना पसीना बहुत आता है, उसी वजह से आपको लग रहा होगा। आपकी बहू तो एकदम गोरी है गोरी, ये मेरी नेचुरल ब्यूटी है मम्मी जी। अच्छा ठीक है, चलो अब के मेकअप ही करती रहोगी। अगले दिन सुबह 5 बजे उठकर सीमा चुपचाप आईने के सामने खड़े होकर गोरे होने वाला फेस मास्क लगाती है। महेश के उठने से पहले फेस मास्क लगा लेती हूँ, मम्मी जी को जरा सी भी भनक लग गई तो मेरी सारी पोल खुल जाएगी। सीमा फेस पैक हटाकर मेकअप करने लगती है, तभी महेश उठ जाता है और ये सब देख लेता है। ये क्या, इतनी सुबह सुबह मेकअप कौन करता है? ये सुनकर सीमा की सांसें अटक जाती हैं। फिर वो लड़खड़ाती आवाज में कहती है, नहीं नहीं, वो मेरी आँख खुल गई थी ना, तो सोचा मेकअप करके थोड़ा टाइम कट जाएगा। महेश हंसते लगता है। बिल्कुल पागल हो तुम सीमा। लंबी सांस लेते हुए सीमा मन ही मन कहती है, हाय बाल बाल मच गई आज। दिन बीतने लगते हैं। सीमा छिप छिप कर गोरे होने वाला फेस पैक का इस्तेमाल किया करती और अपने चेहरे को मेकअप से छिपा कर रखती। एक दिन रेणुका बाजार शॉपिंग करने जाती है और हरिशंकर और महेश अपनी दुकान पर चले जाते हैं। हे भगवान, कितने दिनों बाद आज मैंने चैन की सांस ली है। मम्मी जी ऐसे ही रोज रोज शॉपिंग पे जाती रहे, आह आज मेकअप उतार सकती हूँ, कोई देखने वाला नहीं है मुझे। सीमा अपना मेकअप उतार कर मजे करने लगती है। मेरी सास चली गई शॉपिंग, मेरी सास चली गई शॉपिंग, हाय रे। इतने में ही रेणुका वापस आ जाती है और सीमा के काले रंग को देखकर उसे तो दिल का दौरा ही आ जाता है। हे भगवान, किस्मत ही फूट गई मेरी तो। तो ये राज था जिसको छुपाने के लिए तुम दिन भर अपने चेहरे पर मेकअप थोप थोप कर घुमा करती थी। तुम्हारे चेहरे पर 6 किलो का पाउडर थुपा रहता है। आने दो महेश को, तुम्हारे माता पिता ने हमारे साथ धोखा किया है, धोखा। सीमा रोने लगती है। इतने में ही महेश और हरिशंकर वहाँ आ जाते हैं। रेणुका महेश हरिशंकर को सब कुछ बता देती है। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं ये सोच सोच कर खुश हो रहा था कि मुझे सुंदर लड़की मिली है। अब समझ में आ रहा है कि तुम सुबह 5 बजे क्यों उठती थी, ताकि अपने काले रंग को छुपा सको। अरे सुंदर लड़की बोलकर अपनी काली बदसूरत हमारे पल्ले बांध गए तुम्हारे माता पिता। माफ कर दीजिए माँ जी, मैं जानती हूँ कि मैंने आप लोगों को धोखा दिया है, लेकिन मम्मी जी ये सब क्यों हुआ आपने सोचा है कभी? बचपन से ही मेरे रंग को लेकर सब मुझे ताने दिया करते थे, कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता था, क्लास के बच्चे मुझसे दूर भागते थे, यहाँ तक कि रिश्तेदार भी मुझसे कहते थे कि इससे शादी के लिए कोई लड़का नहीं मिलेगा, कहाँ से ये लड़की हमारे घर आ गई, इसमें मेरा क्या कसूर? लोगों के ताने से बचने के लिए मैंने मेकअप का सहारा लिया और तब से अब तक मेकअप का सहारा लेते हुए आई हूँ। हरिशंकर सीमा के सर पर
हाथ रखते हुए कहते हैं, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बहू, आजकल का समाज ही ऐसा है, लोग मन नहीं रूप देखते हैं। मुझे माफ कर दे बहू, बेटी बनाकर लाया था तुझे, फिर भी ये सब कुछ तेरे साथ हुआ। अगर मेरा महेश काला होता तो हम क्या करते रेणुका जी? बहू, तूने मेरी आंखें खोल दी, अब तुझे मेकअप करने की जरूरत नहीं है, तू जैसी भी है हमें मंजूर है। तभी हंसते हुए महेश कहता है, अरे बाबा, मेकअप करने के लिए मना किया है, हंसने के लिए नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, बाय बाय दोस्तों।